हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकंड ईयर की फ़ाइल, जो कि है जनरल डायरी। ये फ़ाइल सबसे ज़्यादा मोटी होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी होती है सारी फाइल्स के मुकाबले। और इस फाइल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होता है कि लिखना क्या है। मोस्टली तो बीएड में हर किसी को ही होता है कि भैया लिखना क्या है, नाम तो बता देते बट समझ नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगी भी, फाइल पूरी दिखाऊंगी, साथ ही साथ समझाऊंगी भी। तो इससे क्या होगा, आप जो स्टूडेंट्स हो उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने ये फ़ाइल ली, जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। मुझे पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको समझा पाते हैं, समझाते ही नहीं है कॉलेज में, बस आपको करना होता है। चलो तो अब स्टार्ट कर देते हैं। मैं समझा देती हूँ कि आखिर इस फाइल में आपको क्या लिखना है और कैसे इस फाइल को बनाना है। जनरल डायरी के नाम से है। सबसे पहले बता देती हूँ क्या लिखना होता है। देखो, ये होती है मेनली जितने दिन की आपने टीचिंग करी है, जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है आपकी, इंटर्नशिप यानी कि, वो आपने जितने दिन की करी है, एक एक दिन का विवरण आपको इसमें देना होता है कि कैसे कैसे क्या क्या हमने किया है। ठीक है, अब पेजेस पे कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पेज से देख लेते हैं कि लिखना क्या है, कैसे फाइल बनानी है, सारी चीज़ें। तो सबसे फर्स्ट जो पेज है इसका, वो हम जनरल डायरी लिखेंगे। देन डिटेल्स अबाउट द स्कूल, जिस स्कूल में आपने टीचिंग की है उसकी डिटेल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन नेम ऑफ द स्कूल लिख देंगे। सभी का सेम पैटर्न है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर लो, सब पे बनानी है फाइल, और यही पैटर्न है फाइल बनाने का, ठीक है। एड्रेस स्कूल का डाल देंगे, उनका फ़ोन नंबर डाल देंगे, क्लास डाल देंगे। क्लास मींस जितनी क्लास तक स्कूल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 गलत डाला हुआ है, आपको लिखना है फर्स्ट टू टेंथ या फर्स्ट टू ट्वेल्थ, जितना भी आपका स्कूल है। देन उसका ईमेल, देन नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ वो लिख देंगे, देन नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, देन स्कूल की टाइमिंग, प्रिंसिपल का नेम और ड्यूरेशन ऑफ स्कूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख देंगे। अब आ जाता है हमारा फर्स्ट पेज, जहाँ से हमें अपनी जर्नी के बारे में बताना है। फर्स्ट डे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम इसमें हेडिंग डालेंगे। देन हम क्या लिखेंगे, ये पॉइंट्स हमें इसमें लिखने हैं। सबसे फर्स्ट होगा विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया, तो हाँ या ना वो आपको लिख देना है। देन प्रार्थना में दिया गया कोई भी विचार, कोई भी थॉट, वो लिख देना है। स्टूडेंट्स कितने थे वो लिखना है, उनमें से कितने उपस्थित थे और कितने अनुपस्थित थे वो लिखना है। ये एक एक पॉइंट्स हैं, सेम टू सेम कॉपी करके भी लिख लो, एक बार समझ लो, फिर उसके बाद कॉपी पेन उठाओ और सेम टू सेम लिखते चले जाओ, ठीक है। थोड़े बहुत चेंज कर देना, जैसे स्टूडेंट्स की संख्या में या थॉट, बस ये चेंज करना है। देन आगे लिखेंगे कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण, कक्षा 6 आपने पढ़ाई है, 7 पढ़ाई है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, ये पाठ के नियम क्या थे, ये यहाँ पे वो लिखना है जो आपने लेसन प्लान में बनाए थे ना स्टार्टिंग में बीएड फर्स्ट ईयर में। वो लेसन प्लान अब तक नहीं देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, तो प्लीज़ अपने जो भी आपके जूनियर्स हैं उनके साथ भी शेयर कर देना बीएड की इन वीडियोज़ को, जो उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। देन मूल्यांकन प्रक्रिया, जो नेक्स्ट पेज होगा वहाँ से ये हेडिंग्स लिखनी है हमें। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे प्रयुक्त सामग्री, यानी कि क्या क्या यूज़ किया, शैम्पर, चौक, डस्टर, चार्ट, ये सारी। सेकंड पे जो हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मींस नंबरिंग देख लो, थर्ड ये फोर्थ है प्रयुक्त। तो शिक्षण विधि कौन सी यूज़ की, तो यहाँ पे आप जो टॉपिक ले लो, जैसे साइंस का है आपका, मैथ का है, मैथ का है तो आप शैम्पर विधि लिखोगे क्योंकि आपने दिखा के करा है, साइंस का है तो आप प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज कर लेना। देन आता है मूल्यांकन प्रक्रिया, इसमें आपको क्वेश्चन जो आपने जैसे दिए ना क्वेश्चन, वो लिखने हैं मूल्यांकन प्रक्रिया में कि क्वेश्चन क्या पूछे हैं, कैसे पूछे हैं। इससे जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी गृह कार्य, यानी कि आपने घर पे स्टूडेंट्स को क्या काम दिया है, तो वो क्वेश्चन लिख दो कि जैसे आपने प्रदूषण पढ़ाया है तो आपने लिखा है कि प्रदूषण पर एक लेख लिख के लेके आओ, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। देन फिफ्थ पे हम डालेंगे कि सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, तो इसमें लिखना है क्रियाकलाप हुआ है या नहीं हुआ वो लिखना है। देन नेक्स्ट है अन्य प्राप्त अनुभव, तो हमने क्या देखा कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने इस पे लिखा या बोला, आप लिख सकते हो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो इससे उनमें लेखन शक्ति या उनके जो बोलने की शक्ति है, उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसका पता चलता है कि वो कहाँ तक सोच सकते हैं, है ना। देन प्रश्न पोषण, यानी कि उन्होंने कैसे आंसर दिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। मैं एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी। तो सेम सेम लिख के लिख दो अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने की, बट समझ आना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप अपना एग्जामिनर के सामने जब आप दोगे वाइवा, तो वो भी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इसमें ऐसे क्या लिखा। तो अगर आप मेरी वीडियो से इस तरह समझ के लिखोगे तो आपको वो पता होगा। अब देखो फर्स्ट डे के दो पेजेस हमने लिखे हैं, दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं सेकंड डे के पेज पे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको पूरी वीडियो में समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब जैसा पैटर्न फर्स्ट पेजेस का था ऐसा ही पैटर्न आपको 96 पेजेस का रखना है। मैं आपको वो पूरी वीडियो में दिखा दूंगी, बट थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। जैसे अब आप फाइल बना रहे हो मान लो मेरी वीडियो देख के, तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम मैं तो दिखा रही हूँ, पूरा लिखते जाओ, जितने पेजेस पॉसिबल हैं मैं उतने दिखा दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं। 8 से 10 पेजेस सेम कर दो, देन
मतलब प्रोसीजर तो सबका सेम होना है, थॉट चेंज करना है, टॉपिक का नेम चेंज करना है, मतलब कक्षा में क्या पढ़ाया, और स्टूडेंट्स की नंबरिंग चेंज कर दो, बाकी कुछ भी नहीं है पूरी फाइल जैसे में। ये सामाजिक विज्ञान की थी, जो मतलब जो स्टूडेंट था वो सामाजिक विज्ञान का था, तो उसने वही पढ़ाया और उसी के बारे में लिखा है। साइंस का अपने बारे में लिखेगा, मैथ का अपने बारे में लिखेगा। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता कि यहाँ लिखना कैसे है, तो मैं लिंक आपको दे देती हूँ B.Ed फर्स्ट ईयर की वीडियोज़ का, वहाँ भी मैंने बहुत क्लियरली एक एक चीज़ समझाई हुई है, तो आपको वो पसंद आएगी, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखो सेकंड पेज बिल्कुल उसी की तरह है कि मूल्यांकन प्रक्रिया क्या थी, गृह कार्य क्या था, सांस्कृतिक क्रियाकलाप क्या था, अन्य प्राप्त अनुभव क्या था, पृष्ठ पोषण क्या था। बट हाँ, ये चीज़ है, चेंज थोड़ा थोड़ा करना है, तो अगर आप माइंड नहीं लगाना चाहते तो इस पूरी वीडियो को देख लो, सेम टू सेम कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझ आपको आना चाहिए कि आखिर आप जो लिख रहे हो उसका मतलब क्या है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। कॉपी करके तो लिखो बिल्कुल, B.Ed कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं जिसमें आप कॉपी करके नहीं लिख सकते, बट आपको पता होना चाहिए ना कि आपने कॉपी किया क्या है। देन अब देखो, मैंने सेकंड डे से मैं एर्थ डे पे ले आई हूँ, कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट हेडिंग वही है, सेकंड हेडिंग वही है, थॉट चेंज करने हैं, स्टूडेंट्स की संख्या चेंज करनी है। अब आप देखो एर्थ डे पे भी बिल्कुल सेम है कि कितने उपस्थित थे या कितने अनुपस्थित थे। देन पाठ क्या पढ़ाया वो चेंज करना है, मतलब पूरा पेज सेम है, बस आपको लिखना है, मेन चीज़ वो है। ऐसे करो, आप जितने मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इन्हें सेम कॉपी कर लो, इसके बाद खुद लिख लेना माइंड से। जब आप इन्हें कॉपी करके लिख लोगे ना पूरी को, तो आपके माइंड में खुद चीज़ आ जाएगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सेम टू सेम कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे सिक्स क्लास पढ़ाई है, विषय भूगोल पढ़ाया है, सेक्शन ए को पढ़ाया है, प्रकरण क्या था वो पढ़ाया है, पाठ के मुख्य बिंदु हम बता देंगे कि ये थे। और जो सामाजिक विज्ञान वाले उन्हें तो माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी वीडियो कॉपी करके लिख दो अपनी कॉपी में, आपकी फाइल बन जाएगी, क्योंकि आपको तो चेंज भी नहीं करना है कुछ भी। हाँ, साइंस और मैथ वालों को चेंज करना है, बट पूरी वीडियो जब आप देखोगे और आप समझोगे ना, तो आपको ईजिली वो समझ आ जाएगी और आप चेंज भी कर दोगे। ठीक है, देन शिक्षण उद्देश्य, देन नेक्स्ट पेज पे वही लिखना है, प्रयुक्त शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि कौन सी यूज़ की, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या थी, गृह कार्य में क्या दिया, सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण एंड अन्य प्राप्त अनुभव, और लास्ट में पृष्ठ पोषण। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखो, अब एर्थ डे का भी सेम था, बट मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, बस और किसी लिए नहीं दिखा रही हूँ। अब किसी और डे का देखते हैं, बहुत मोटी फाइल है, सच में बहुत ज़्यादा पेजेस की है, 180 के करीब के पेजेस की है ये फाइल, सच में बड़ी है। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट डे की मैंने निकाल दी है आपके पास, 25 डे की है ना, यानी कि 25वें दिन की। सारा प्रोसीजर सेम है, प्रार्थना में भाग लिया, हाँ नहीं, प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु, थॉट चेंज करना है, कक्षा वही, छात्रों की उपस्थिति अनुपस्थिति, टॉपिक नेम, शिक्षण बिंदु और पाठ के मुख्य पॉइंट्स यानी कि बिंदु, बस। अब आप इंग्लिश में भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में नेम चेंज करके लिख दो, प्रेजेंट स्टूडेंट्स या टॉपिक, बस और कुछ है ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश हो, खुद लिख सकते हो, बस आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए कि है क्या चीज़। देन यहाँ पे 33 डे की मैं आपको अगेन दिखा रही हूँ, जो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ भी देखो सेम प्रोसीजर है सारा, और सामाजिक विज्ञान वाले तो ऐसे करो, वीडियो को रोक रोक के पूरी वीडियो को कॉपी कर दो, सही में आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। मुझे साइंस की मिली नहीं, बी ट्रू, मुझे साइंस की ही चाहिए थी, बट वो मिली नहीं, स्टूडेंट से मैनेज नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे जो मिली मैंने उसका बना दिया, क्योंकि मैं साइंस वाली हूँ, तो मेरा मतलब साइंस को अट्रैक्शन रहता ही है। बट साइंस वालों को मैं समझा भी दूंगी, इसके बाद भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है मुझे बताओ, मैं ईजिली बोर्ड पर आपके लिए लिख के बता दूंगी, टॉपिक बता दूंगी, मुख्य बिंदु क्या लिखने, वो सारी चीज़ बता दूंगी। बट अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं और आपको सही में नीड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके और बताओ, आपके टॉपिक पे बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस हो चाहे मैथ हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट डे की आप देख सकते हो, सिर्फ टॉपिक नेम चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। बहुत बड़ी वीडियो, मतलब बहुत बड़ी तो नहीं है, जिन्हें स्टूडेंट्स को देखना है, जिन्हें फाइल बनानी है वो तो पूरी देखेंगे और खुशी से देखेंगे, बट जिन्हें नहीं देखनी, जिन्हें टाइम पास करना था, देखो मुझे टाइम पास करना नहीं आता, मुझे आपको फाइल दिखानी थी, तो मैं क्लियरली आपको फाइल दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी। टीचर की क्वालिटीज ये होती है, ये काम तो B.Ed वाले हमारे करते ही हैं कि कॉपी लो भैया, टीप दो, टीपना ठीक है, कॉपी करना ठीक है, कॉपी कर सकते हैं हम, B.Ed ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें कॉपी नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये चीज़, बट एटलीस्ट स्टूडेंट को इतना तो समझाओ कि वो लिख क्या रहा है, उसे वो चीज़ क्लियर हो, है ना, वो टीचर बनने वाला है, वो आगे क्या पढ़ाएगा, तो इसलिए बस थोड़ा समझ के करो, कॉपी करो बेझिझक होके करो, बट कॉपी माइंड के साथ करो कि आपको पता हो आपने क्या कैसे लिखा है। ये चीज़ें यहीं से तो B.Ed के प्रैक्टिकल्स बनते हैं, यहीं से आपका वाइवा होता है, वो ये नहीं पूछेगा मूल्यांकन में क्या क्या, नहीं, वो आपसे पूरा प्रोसेसर पूछेगा एक सेकंड में कि जर्नी वाली फाइल में, जनरल वाली फाइल में, डायरी में आपने क्या लिखा, कैसे कैसे लिखा। वहाँ अगर आप अब
समझ के लिखोगे तो आप बेझिझक होके बता दोगे। ये देखो 73 डेज की मैंने दिखाई है, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। एक यानी कि एक दिन के दो पेज बनाने हैं और सब में सेम ही प्रोसीजर लिखना है, बस आपकी जो रिटर्न की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए इन फाइल को बनाने के लिए। देन 81 डे का डिस्क्रिप्शन दिखाती हूँ, सब में सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। और जो स्टूडेंट्स की नंबरिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे सेकंड जो आपका लेसन था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो वो चीज़ें आप खुद माइंड यूज़ करके लिखना, प्लीज़ कॉपी करना बट माइंड के साथ। तो यहाँ पे अब मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ। आई होप आपको बहुत क्लियरली मैंने समझाया है, तो आपको समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और फाइल्स चाहते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ और शेयर करो, हर एक फाइल मैं शेयर करूँगी ऐसे ही समझा के। सो बाय बाय।